मेरा नाम मोहम्मद राजा हसन है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। कहाँ के निवासी हैं? बरकत खा के निवासी, पटना सिटी के रहने वाला हूँ। देखिए, काजकला में एक दुकान है। उस दुकान में सूचना मिली है कि एक व्यक्ति के द्वारा बम फेंका गया, जिसमें दो चार लोग तो उसके इससे घायल हुए हैं। कौन कौन थे वो लोग, कुछ जानकारी का नाम तो अभी आया हुआ है। एक सोनू पगला करके व्यक्ति है, उसी के द्वारा मारा गया था। क्या कारण था? कारण कुछ अभी तक कुछ कारण क्लियर नहीं हुआ है। पैसा नहीं, सब के बारे में मैंने पूछताछ की थी तो अभी तक तो उस तरह की कोई बात नहीं आई है। लेकिन अगर जो भी आती है बात तो फिर उसको क्लियर किया जाएगा। घटनास्थल पे क्या बरामद किए गए? कुछ वहाँ पे बारूद कुछ छीटे वटे थे और कुछ लोगों को स्नैपनर लगा हुआ था, तो वो सब वहाँ पे मिला है। टोटल कितने लोग घायल हैं, सीरियस कितने? 3-4 लोगों को लगा है, कोई खास कोई सीरियस कोई व्यक्ति नहीं है। 3-4 लोगों को लगा हुआ है। देसी बम है या ये मतलब बनाया हुआ, घर में बनाया हुआ बम इस तरह का है? सर बरकत खां में लड़ाई हो रहा था। लड़ाई होने के बाद किसके किसे मतलब पहचान है किसी? हाँ, पहचान है। सिद्धू से हो रहा था लड़ाई और एजाज से हो रहा था। अच्छा। उसी दौरान हम लोग छोड़ा रहे थे। छुड़ाने के दौरान में सिब्बू मरहूम नुमान मियाँ का बेटा, उसने अपने भाई सोनू पगला को बुलाया। बुलाने क्रम में भीड़ थे, उसने बम मारा। बम मारने के दौरान में 4-5 आदमी घायल हुए हैं। बरकत खां बिजनेसमैन का इलाका है, दहशत बनाना चाह रहा है, कुछ लोग से रंगदारी भी मांग रहा है। वो बरकत खां में अभी हाल फिलहाल एक इकबाल का कारखाना से कोरिया में उसको मुंह में पिस्तौल घुसाया, उसे रंगदारी मांगा 3 लाख रुपया, वो खाली करके चला गया। अभी प्रशासन आई थी तो क्या मतलब? प्रशासन आई तो हमको इंजुरी बनाने के लिए यहाँ लेके आए हैं। उसके बाद बोला गया FIR कर, तो उसके बाद FIR में बदलेंगे। कितने लोगों बम लगने से घायल हुए? कितने लोग? अभी तो 3 यहाँ हैं, एक कमाल डॉक्टर का है, उनका ज्यादा उनको भी ज्यादा हुआ। एक बच्चा भी है ना? एक बच्चे को भी लगा छीटा। क्या स्थिति उन लोगों का? स्थिति बस वही है, इंजुरी बन रहा है अभी। अभी इनका टाका लगा, किसी का टाका लग रहा है, किसी का ही हुआ है। किस कारण से विवाद हुआ था? विवाद तो बस आपस में मोहल्ले की लड़ाई थी, मोहल्ले की लड़ाई थी। उसी दौरान सब मोहल्ले छोड़ा रहे थे, हम लोग भी छोड़ा रहे थे। उसके बाद सिब्बू जो है अपने भाई सोनू पगला को बुला के दहशत बनाई उसमें मोहल्ला में, अब हम चलवाएं।